रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर प्रोफेसर तारिक जहीर, अपने यूट्यूब चैनल तारिक जहीर लेक्चर एंड व्लॉग के साथ। आज हमने कमर्शियल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक मुंतखब किया है उसका नाम है क्रॉप्स। क्रॉप्स जो है वो एग्रीकल्चर के शोबे से ताल्लुक रखती है और इस शोबे में एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान के हवाले से हमारी ऑलरेडी इस चैनल पर तारिक जहीर लेक्चर व्लॉग्स पर यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है। आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक क्रॉप्स का लेके आए जो कमर्शियल ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स के और बिजनेस के लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, देखते हैं कि क्रॉप्स क्या होती हैं। दिस इज अवर टॉपिक। क्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज आवर लाइफ टू बी बेनिफिटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड अदर स्टफ। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें इंसान, चरिंद परिंद, जानवर, लाइफ स्टॉक सब शामिल है, उनको और दीगर जो स्टफ्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनको बेनिफिट करने के लिए क्रॉप्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉप है ही क्या, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं ना कि हमने आपने एग्रीकल्चर में बताया था कि एग्रीकल्चर इज एन आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द और फॉर द फूड पर्पज ऑफ द मैनकाइंड ह्यूमन बीइंग्स एंड द लाइफ स्टॉक। यानी कि इंसानों के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए हम फोडर बनाए या फूड की जरूरत को पूरा करें उसके लिए हमें क्रॉप की जरूरत पड़ती है। जो क्रॉप जो है फूड की जरूरत को जो मुहैया करती है इंसानों की और लाइफ स्टॉक की। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। टू ग्रो प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल फॉर द मीनिंग ऑफ फूड्स, यानी कि आप प्लांट्स को बड़े पैमाने पे फूड्स की जरूरत के लिए जिससे आप क्लॉथिंग हासिल करें, मेडिसिन हासिल करें, इंडस्ट्री में आप उसको लगाएं, फॉर अदर ह्यूमन यूजेस और दूसरे इंसानी कामों में इस्तेमाल में लेके आए उसको हम क्रॉप्स कहते हैं। दे आर ग्रोन टू बी हार्वेस्टेड एज फूड, इनको जो है हार्वेस्ट किया जाता है फूड के लिए, लाइव स्टॉक फोडर के लिए, लाइव स्टॉक जो माल मवेशी हमारे पास होते हैं ऊंट, गाय, बकरा, बकरी और शिप वगैरह, तो इनके लिए हम लाइव क्रॉप्स को जो है ग्रो करते हैं और बड़े पैमाने पर इसका ग्रो की जाती है। फ्यूल और फॉर एनी अदर कमर्शियल पर्पज, यानी फॉर यूज एज ड्रग्स, ड्रग्स में भी इस्तेमाल होती है, कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होती है एंड स्क्रैपिक यूजेस में भी इस्तेमाल होती है। ताकि अब जैसे आप गंदम की भूसी हो गई या चावल की, राइस की भूसी हो गई या कपास की जो स्क्रैप बचता है उसका फल निकालने के बाद, तो वो मुख्तलिफ चीजें बनाने में काम आता है, जैसे हेड वगैरह हो गए, बेड्स हो गए, चटाइयां हो गई, मुख्तलिफ बान हो गई, प्रॉप्स हो गई, इन चीजों को बनाने में वो काम आता है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट्स भी करें, कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में भी कर सकते हैं। आपकी एप्रिशिएशन हमारे लिए जरूरी है। वस्सलाम बिल खैर।